मध्य प्रदेश के चाचौड़ा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी राम शर्मा चाचौड़ा ने आज बीनागंज चाचौड़ा के सभी व्यापारियों, दुकानदारों, हाट ठेले वालों और नगर के गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आज बीनागंज पुलिस चौकी में बुलवाई। इस बैठक में सभी व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा की गई। नगर में जाम न लगे और अपराध पर अंकुश लगे, इसके लिए उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की। लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनसे सुझाव भी लिए। जनमानस के सहयोग से नगर में जगह जगह कैमरे लगवाने के लिए भी सुझाव दिए गए और कहा गया कि व्यापारी अपनी दुकानों के आगे वाहन इत्यादि खड़े ना करें, जिससे जाम की स्थिति ना बने। कुछ व्यापारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की इस शानदार पहल के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट है। हमारे श्रीमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए CCTV कैमरों का जन सहयोग से इंतजाम करवाएं। तो उसी तारतम्य में हमने अपना जो बीनागंज चाचौड़ा क्षेत्र है, तो उसमें जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं और एंट्री पॉइंट हैं, जिनके जिनसे हुए बगैर कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, उन पर CCTV कैमरे लगाने के संबंध में जो हमारे बीनागंज चाचौड़ा क्षेत्र के सम्माननीय व्यापारीगण हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा की एवं उनके द्वारा मार्केट में उनको व्यापार करने के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान पुलिस कर सकती है, उससे संबंधित एवं वन प्रशासन से संबंधित समस्याओं को उनसे नोट किया है। इसके संबंध में श्रीमान SDM महोदय चाचौड़ा से भी चर्चा की गई। तो साहब आज बिजी हैं, तो मंगलवार को साहब बने व्यापारियों की मीटिंग लेकर उनकी अन्य जो समस्याएं उनका निराकरण करेंगे। लगभग कितने दुकानदार इस मीटिंग में शामिल हुए, कितने पॉइंटों पर चिन्हित किया गया कि कैमरों की व्यवस्था की जाए? लगभग 100 के ऊपर व्यापारी इसमें मीटिंग में शामिल हुए और कुछ 10 से 12 जगह भी चिन्हित की हैं और भी जगह को चिन्हित करके उनकी एक कमेटी है आपस में 4 या 5 लोगों की, वो और चिन्हित कर रहे हैं जनता के। कुछ उसमें पुलिस के लोग भी हैं। जब पूरी तरह चिन्हित होने के बाद फिर फाइनल हम आपको बता पाएंगे कि कितनी जगह चिन्हित है जहाँ कैमरे लगाने हैं। जहाँ कैमरे लगाए जाएंगे उनकी व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? कैमरों में कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती, बस एक बार लगा दिए जाएंगे, उसके बाद उनमें कोई रेगुलरली ना तो रिचार्ज कराना होता है ना कुछ है, सिर्फ मेंटेनेंस है, वो भी 1-2 साल में एक आध बार आता है। अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं तो 2 या 4 साल में एक आध बार उनका मेंटेनेंस आता है थोड़ा बहुत, तो एक बार लगने के बाद फिर उनका ऐसा कोई खर्चा नहीं है जिससे उनकी कोई अलग से व्यवस्था देखना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।